नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। इंडिया अलायंस को जैसे मध्य प्रदेश में नजर लग गई हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बाद अब जनता दल यूनाइटेड ने भी एक तरीके से कांग्रेस को झटका दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने 5 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि JDU से पहले समाजवादी पार्टी भी कुल 4 सूचियाँ जारी कर चुकी है उम्मीदवारों की। इनमें कुल 44 उम्मीदवार उसने अब तक मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस पहले ही सभी 230 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, यानी आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का इन जो सीटों पर समाजवादी पार्टी और JDU ने उम्मीदवार उतारे हैं, यहाँ पर मुकाबला इंडिया अलायंस के तहत आने वाली इन दोनों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों से भी होगा। अब जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ काम करने की बात कर चुका है पहले ही, लेकिन राज्यों के चुनाव में, खासतौर से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, एक के बाद एक इंडिया अलायंस के जो साथी हैं वो कांग्रेस के सामने अपने उम्मीदवार भी खड़े करते जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पे हमला करने का एक बड़ा मौका भी मिल गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भोपाल में थे, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। देखिए, जैसे आपने ही कहा इस बात को कि इन लोगों का गठबंधन इस बात के लिए नहीं है कि देश का भविष्य किधर जाना चाहिए, किधर जाए, इस बात के लिए है कि वो सत्ता में बने के रहने के लिए किस तरीके से हथकंडा अपनाएंगे और किस तरीके से समझौता करेंगे। लेकिन अब दुनिया के सामने हर प्रांतों का और देश का एक बड़ा दायित्व है कि हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम कर सकते हैं, ये उनके प्राथमिकता में नहीं है। तो अर्जुन मुंडा को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दरअसल ये तो एक लड़ाई है जो ये आपस में लड़ रहे हैं, इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है, सरकार बनाना ही इनका इकलौता मकसद है। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना पक्ष सामने रखा है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि दरअसल ये जो गठबंधन है ये तो वैसे भी लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, तो ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव पे ये प्रत्याशी उतार भी रहे हैं तो जाहिर सी बात है चुनाव जीतने के बाद सपा और JDU ज़्यादातर कांग्रेस के साथ जाना ही पसंद करेंगे। कांग्रेस ने भी पक्ष रखा है JDU की इस दावेदारी के बाद, वो भी सुनिए। बहुत स्पष्ट रूप से जब अलायंस हुआ तो राज्य स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर हम तैयार हैं पहले से कि अलग अलग राज्यों के अंदर जहाँ जो प्रत्याशी, अगर किसी के एक दो प्रत्याशी, 3-4 प्रत्याशी जीतने वाले उनको लगता है तो वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय है पार्टी का कि कहाँ क्या करना है, कोई भी कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। और अगर कोई पार्टी आती है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से स्वागत करते हैं। आने वाले समय में मुद्दा सबका एक है, इशू सबका एजेंडा एक है कि भाजपा की सरकार को बाहर करना है। अगर उन्हें कोई प्रत्याशी कभी जीतता भी है कहीं से तो आगे कांग्रेस पार्टी को समर्थन देगा। तो आपने सुन लिया, कांग्रेस का भी पक्ष देख लिया, भारतीय जनता पार्टी के आरोप और उसका तंज भी देख लिया। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल JDU और सपा यदि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ती है तो इसका नुकसान उन्हीं के इंडिया अलायंस की सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कैसे हो सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश में करीब 14% के आसपास यादव वोटर्स हैं, और जाहिर सी बात है जब यादव वोटर्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। ये ज़्यादातर यादव वोटर जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, ग्वालियर चंबल संभाग और विंध्य में पाए जाते हैं, मिलते हैं, और यहाँ पर ये एक बड़ा वोट बैंक है। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी यदि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है तो यादव वोट बैंक वो खींचेगी, नुकसान कांग्रेस को होगा। दूसरी तरफ JDU की बात करते हैं, JDU जिस तरीके से अगर देखा जाए बिहार में लगातार चुनाव दर चुनाव जीतती रही है तो उसके पीछे की एक बड़ी रणनीति रही है कि दरअसल JDU को बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय का वोट भी मिलता है, दलितों का भी वोट मिलता है, और ऐसे में मध्य प्रदेश की बड़ी दलित आबादी जो कि बुंदेलखंड और विंध्य के इलाके में रहती है, ग्वालियर चंबल संभाग में रहती है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए जो ज़िले हैं, यहाँ पर JDU भी अपना असर दिखा सकती है। आपको बता दें कि JDU इससे पहले मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती आई है, हालांकि वो बात अलग है कि पिछले चुनाव में अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में JDU ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। JDU के विधायक भी सदन तक जा चुके हैं, सपा के विधायक भी मध्य प्रदेश विधानसभा तक पहुँच चुके हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है एक तरफ जब ये तीनों राजनीतिक दल इंडिया अलायंस के तहत लोकसभा चुनाव के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के चुनाव में
ये तीनों ही राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिनके बीच में अगर टकराव होता है विधानसभा चुनाव में तो इसका सीधा सा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं।